और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं रेगुलर अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मास्टर केपी। मेरे किचन में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए नमकीन दलिये की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप कभी भी ब्रेकफास्ट में, डिनर में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें 1 चम्मच राई ऐड करूँगी। राई के बाद 1 चम्मच जीरा, 1/3 चम्मच हींग, 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन, बारीक बारीक काट लिया था मैंने लहसुन को भी, इसे अच्छे से हिला लेंगे। लहसुन हमारी ब्राउन हो चुकी है थोड़ी सी। अब मैं उसमें 2 कटी हुई प्याज डाल दूंगी, छोटी सी थी प्याज मेरी, इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब मैं उसमें 2 कटे हुए आलू ऐड कर देती हूँ। आप इसमें दूसरी सब्जी भी ऐड कर सकते हो, कैरेट, मटर, कैप्सिकम, पर मैं केवल आलू ही ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स। इसे थोड़ी सी देर चलाएंगे, मसाले उनको अच्छे से पकाएंगे। 1 मिनट मसाले को चलाने के बाद अब मैं इसमें तुल्ली 1 कटोरी ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स। इसे भी थोड़ी सी देर सेकेंगे। अब हम इसमें 3 कटोरी पानी ऐड करेंगे, 1 कटोरी सूजी और 3 कटोरी पानी, और ये 1 चम्मच नमक डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम। दो सीटी के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नमकीन दलिया अच्छे से बनकर रेडी है। अब मैं इसमें 1 लेमन जूस ऐड कर देती हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं। नमकीन दलिया हमारा रेडी है फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।